नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद रतन चैनल पे। आई होप आपको मेरी पहली पिछली पुरानी वीडियोस ज़रूर पसंद आई होंगी। तो उसी सीरीज़ में आज HP पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल साइंस के कुछ MCQs लेकर आया हूँ। इन्हें अवश्य पूरी वीडियो को देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से ही आपको जो है वो वहाँ पर क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज। जो स्टडी होती है फूलों की उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है फ्रेनोलॉजी, सेकंड है एंथोलॉजी, थर्ड है एग्रोस्टोलॉजी, फोर्थ है पेलिनोलॉजी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है HB, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7.4। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि pH वैल्यू कितनी होती है ह्यूमन ब्लड की, तो ये कितनी होगी? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज़ अ। हीमोग्लोबिन क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, सेकेंड ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है फैट, फोर्थ है विटामिन। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है? हमारा प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन अवर बॉडी। वो कौन सा विटामिन होता है जो रैपिडली मतलब कंटिन्यूसली हमारी बॉडी के अंदर जो है वो मैन्युफैक्चर होता रहता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो वो है विटामिन डी। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य देवता से हमें, सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। बेसिकली विटामिन डी क्या होता है? जो हम खाते हैं विटामिन डी का मतलब जो फ्रूट्स या जिससे भी हमें जो भी खाने से हमें विटामिन डी मिलता है, तो सूर्य किरणें जो है वो उसको पचाने में सहयोग करती है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अवर मसल्स लीड टू फटीग। इसमें से क्या चीज़ है जिसको जो हमारी मसल के साथ मतलब एक्यूमुलेट करने से क्या होता है? फटीग होता है। लैक्टिक एसिड, पायरूविक एसिड, बेंजोइक एसिड या यूरिक एसिड? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ की? 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड या 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड जो होती है वो एस्केप वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, नॉट करेक्टली पूछा है? ठीक है, तो आपने क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी आपने जो है वो ढंग से पढ़ लेने एक बार। जैसे विंड स्पीड एनेमोमीटर, इलेक्ट्रिक करंट एमीटर, प्रेशर डिफरेंस टैकोमीटर और हाई टेम्परेचर पायरोमीटर। मतलब कि विंड स्पीड को हम मेज़र करते हैं एनेमोमीटर से, सही है। इलेक्ट्रिक करंट को हम मेज़र करते हैं एमीटर से, सही है। हाई टेम्परेचर को मेज़र करते हैं पायरोमीटर से, सही है। लेकिन जो प्रेशर डिफरेंस है उसको हम टैकोमीटर से मेज़र नहीं करते, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम अल्कोहल, वाटर मिक्सचर। वो कौन सा मेथड होता है जिससे हम जो है वो पानी को अलग कर सकते हैं शराब में से? ठीक है, शराब और पानी के मिक्सचर में से। ऑप्शन है डिकैनिटेशन, सेकंड है इवोपोरेशन, थर्ड है सब्लिमेशन एंड फोर्थ है डिस्टिलेशन। तो इस सही इसका उत्तर क्या है? डिस्टिलेशन। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन अ ह्यूमन हार्ट। हमारे ह्यूमन हार्ट जो होता है हमारे पास में उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं? तो ये होते हैं बेसिकली 4, 2+2, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ चैम्बर्स, ठीक है ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। आयरन के साथ में हम कौन सा मेटल यूज़ करेंगे जिसके कारण क्या होगा वो रस्ट फ्री हो, मतलब उसमें जंग ना लगे? एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम या टिन? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम का जब हम यूज़ करेंगे आयरन के साथ में तो वो रस्ट फ्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट्स फुट इज़ अ डिसीज़ कॉज्ड बाय। किस कारण से होता है एथलीट्स फुट डिसीज़? ये होता है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है फंगस, थर्ड है प्रोटोजोआ या नेमाटोड। तो
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फंगस के कारण जो है वो एथलीट्स फुट डिसीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर आई इज यूटिलाइज। जब भी कोई आँख डोनेट करता है तो कौन सा पार्ट उसका यूज़ करेंगे, आइरिस, रेटिना, लेंस या कॉर्निया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज, जो हनी होता है शुगर शहद उसका मेजर कंपोनेंट क्या होता है। ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, फ्रक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम, जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो सबसे कम कहाँ होती है, वैक्यूम में, वाटर में, एयर में या आयरन में। तो साउंड की वेलोसिटी सबसे कम किस में होती है हमारे पास में, वैक्यूम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स, जो हमारे कान होते हैं उसके अंदर कितनी हड्डियाँ जो है वो प्रेजेंट होती हैं, 4, 5, 6 या 9। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स, कोई भी सैटेलाइट है ऑर्बिट है उसके आसपास एक सैटेलाइट चल रही है, ठीक है, वो किस कारण से जाती है ड्यू टू, ये इसका सही उत्तर है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ठीक है, मूव करती है वो ऑर्बिट के अराउंड। ठीक है, नेक्स्ट है द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, जो हमारा पेंडुलम है ये पेंडुलम ऐसे रोटेट करता है ना, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड, जो इसका टाइम पीरियड होता है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड होगा उतनी मतलब जितनी लंबी लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका टाइम पीरियड होगा पेंडुलम का। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल, अगर हम जब जंग लगता है किसी भी चीज़ में तो आयरन का जो वेट है वो क्या होगा, तो वेट क्या होता है उसका, बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलबोनियम ग्लैंड इज लोकेटेड इन, जो मेलबोमियन ग्लैंड होता है वो कहाँ पर होता है, तो ये होता है हमारा आइज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, जो हमारा वेट होता है बॉडी का वो किस चीज़ का बना होता है, बोन हड्डियों का या हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उसका, या पानी से या स्किन से। तो ये बेसिकली पानी के कारण जो है वो बना होता है हमारा बॉडी का वेट। ठीक है, आई होप आपको मेरी आज की वीडियो जरूर पसंद आएगी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, तो आपको आने वाले जो HP कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए साइंस से जो भी क्वेश्चन पूछाते हैं वो इन्हीं वीडियोज़ में से आपको देखने को मिलेंगे। चलिए जल्दी आपके नए वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।